subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. आप लोगों से मिलने का बड़ा इश्तियाक था, हमारी बड़ी इज्जत अफजाई हुई कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। कोई बात नहीं है, दरअसल हमें आपसे मिलकर ज़्यादा खुशी हुई। एक्चुअली मैं यहाँ आने से पहले तवक्को नहीं कर रहा था कि इतने अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। नहीं कलीम साहब, सच्ची बात तो ये है कि हमें तवक्को ही नहीं थी कि आप हमारी दावत कबूल करके हमारे घर आएंगे। क्यों है सच? हम तो अब भी यही समझ रहे थे कि आप लोग हमें टाल रहे हैं। बस बस बहन, देखिए ना, हम यहाँ मौजूद हैं यही सबसे बड़ा सबूत है कि हमने आपकी बात को टाला नहीं। बिल्कुल 100% सबूत है। हादी के छोटे भाई दिखाई दे रहे हैं जी। वो फैक्ट्री में बहुत मसरूफ रहता है, वैसे भी आज हादी घर पे है ना, तो शादी जो है वो देर से आएगी। आजकल एक्सक्यूज मी, आजकल तो घर पे फारिग ही होती होंगी आप? नहीं, काफ़ी मसरूफियात है। अच्छा, क्या मसरूफियात है? असल में मुझे पेट्स पालने का शौक है, तो मैंने बस ज़्यादातर उन्हीं के साथ बहुत गुजरता है। बिल्लियों को नहलाना पड़ता है, परिंदों के पिंजरों की सफाई करनी पड़ती है, और मछलियां हैं तो उनका पानी चेंज करना पड़ता है। फिर ये कि बाज़ दफ़ा पेट्स को वेट के पास भी लेके जाना पड़ता है। आप चुप क्यों कर रही हैं? बोलती जाएं। आप हंसे क्यों? ऐसे ही कोई ख़ास बात नहीं, मैं वो सोच रहा था कि आपके सामने तो मेरी मसरूफियात कुछ भी नहीं है, तो खासी मसरूफ रहती हैं। वैसे जब ये परिंदों और जानवरों से आपको फुर्सत मिल जाती है तो फिर क्या करती हैं आप? फिर मैं पेंटिंग करती हूँ और आजकल कुकिंग भी सीख रही हूँ। बस आपकी क्या मसरूफियात है? मैं कुछ नहीं करता। तो आपकी कोई एक्टिविटीज़, कोई हॉबीज़ नहीं है? हैं, अगर फुर्सत मिल जाता हूँ, जैसे स्विमिंग कर लेता हूँ, लेकिन वो तो मछेरा भी करता, और कभी कभार राइडिंग वगैरह, लेकिन वो तो हमारे यहाँ हर तांगे वाला कर रहा होता है। वो वो ज़ैनब बहुत बदतमीज़ है, मैंने उससे इस तरह नहीं कही थी ये बात जिस तरह उसने आपको कह दी। कौन सी बात? ये मछेरे और टांगे वाली? पता नहीं। वैसे मैं आपसे सॉरी करना चाह रहा था। किस सिलसिले में? आपसे एक झूठ बोला था। मुझसे? जी हाँ, आपसे। किस बारे में? उस खत के सिलसिले में। कौन सा खत? वो जो आपने नहीं पढ़ा था? मैंने वो खत पढ़ लिया था। खत पढ़ लिया था? आप तो कह रहे थे कि आपने वो खत पढ़ा ही नहीं है। यही तो झूठ बोला था आपसे, इसीलिए तो माजत करना चाहता हूँ। आपने उस दिन मुझे बहुत शर्मिंदा किया था। हालांकि मैंने तो आप ही को शर्मिंदगी से बचाने के लिए वो झूठ बोला था। और मैंने ज़ैनब को बचाने के लिए, आपको पता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ऑफ कोर्स। आपने क्या सोचा होगा मेरे बारे में? यकीनन कुछ बुरा ही सोचा होगा। नहीं, अच्छा सोचा था और अच्छा ही सोचा है।
वैसे झूठ बहुत सूट करता है आपको। और आपको भी। ये भी झूठ था? नहीं।